Hello, dear children. How are you all today? We are going to do a new lesson in our science book, environment book. We have already done lesson 13 in the textbook and in the workbook. Now we will be doing it in the notebook, and I am going to explain you a new lesson today. Okay, so first we start. Look at this. Uh, name of the lesson is Our Food. This is lesson number 14. आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द डेट सिक्सटीन ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी अवर फूड यानी हम क्या खाते हैं सो दिस इज़ अ लेसन हम क्या खाते हैं कहाँ से मिलता है एंड कैसे सब लोग एक साथ रह के काम कर सकते हैं वगैरह यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन यू कैन सी वेणुस फैमिली रानीज फैमिली यह यू कैन सी द मदर इज कुकिंग द फूड एंड फादर इज़ क्लिनिंग द हाउस They all are having food. Then uh, mummy and papa are reading, parents are reading the newspaper, and the girl we know, she is uh, riding a bicycle. <coughs> Here you can see mother is cooking, and she, uh, the girl Rani is serving food to the male members of the family, and mother and Rani are working, and father is sitting nicely and रीडिंग अ न्यूज़पेपर कितना फ़र्क है दो फैमिली में एक जगह पे मम्मी काम कर रही है पापा भी उनको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे मम्मी अकेली काम कर रही है यहाँ पे सब साथ में बैठ के खाते हैं हमेशा साथ में बैठ के ही खाना खाना चाहिए पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं पहले जेंट्स खाते हैं फिर लेडीज़ खाती है या बच्चियाँ खाती हैं दिस इज नॉट प्रॉपर यहाँ पे सब ये दोनों काम निपटा के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ये आराम से खेल रही है पर यहाँ लड़की और मम्मी काम कर रहे इतना वज़न उठा के आ रहे हैं एंड फादर इज़ सिटिंग कुछ नहीं आराम से पेपर पढ़ रहे हैं सो दिस दिस इज़ अ प्रॉपर फैमिली आइडियल बट दिस इज़ नॉट एन आइडियल फैमिली क्योंकि एक दूसरे को हेल्प नहीं करते और जेंट्स होते हैं वो थोड़ा अपना रखते हैं कि हम कुछ है सो so, नाव लुक एंड टेल लुक एट द टू फैमिली पिक्चर्स गिवन अबाउट विच टाइप ऑफ वर्क इज डन बाई बोथ द फैमिलीज यहाँ सब मिलजुल के काम करते हैं मिलजुल बैठ के खाना खाते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है इज य फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिलीज हाँ हमारा फैमिली वेणु के फैमिली के जैसा है क्योंकि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं राइट नाव दिस वॉज पेज नाइंटी फाइव नाव वी आर ऑन पेज नाइंटी सिक्स यू कैन सी थिंक एंड राइट डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टूगैदर क्या आपके घर में हर एक इंसान साथ में बैठ के खाना खाता है इफ़ नॉट वाई अगर नहीं खाते तो क्यों पर ऑल द पीपल इन माई फैमिली ईट टूगैदर हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं है ना? कोई अलग अलग पहले दो जन फिर दो जन ऐसे नहीं बैठते सब साथ में बैठ के खाते तो प्यार भी बढ़ता है आपस में और सबको बराबर मिलता है हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग आप कुकिंग में कैसे हेल्प करोगे आई कैन हेल्प इन कुकिंग by कटिंग वेजिटेबल्स वॉश pulses एंड वेजिटेबल्स आप लोग छोटे हो तो कुकिंग तो खाना तो आप नहीं बना सकते हो हाँ लेकिन आप सब्जियाँ काट सकते हो ध्यान से नाइफ लग ना जाए ऐसे यू वॉश पल्सेस यानी दाल चावल वगैरह धोना है या सब्जी धोना है उतना काम आप कर सकते हो हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग इन द फैमिली वाई माई फादर डज नॉट हेल्प इन कुकिंग बिकॉज ही गोज टू ऑफिस आपके घर पर भी ऐसा है आपके पापा खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि वो तो ऑफिस जाते हैं ना सो ही डज नॉट कुक नाउ इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मैंशन फाइंड आउट हु डज दैम इन योर हाउस एंड हु डज दैम इन योर फ्रेंड्स हाउस यू कैन एड सम अदर वर्क ऑल्सो टू द लिस्ट सी यहाँ पे ये दिखा गया है कि आपके घर में काम कौन कौन करता है फ्रेंड के घर की बात भी है नव यर यू कैन सी वर्क यानी काम हु डज द वर्क आपके घर में इन योर हाउस एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस कुकिंग हु डज कुकिंग आपके घर में कौन करता है मम्मी मदर इन योर फादर फ्रेंड्स हाउस मदर बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट बाजार में से चीज लाना यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों यहाँ पे भी मम्मी और पापा दोनों चाहते हैं नॉर्मली स्वीपिंग झाड़ू लगाना यहाँ पे मदर फ्रेंड के घर में सिस्टर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स यहाँ पे मेड सर्वेंट काम वाली बाई और वहाँ पे भी काम वाली बाई करती है फिलिंग वाटर पानी भरना मदर मदर लुकिंग आफ्टर गेस्ट अगर मेहमान आते हैं तो कौन ध्यान रखते हैं सारे मेंबर्स घर के और यहाँ पे ऑल फैमिली मेंबर्स प्लेइंग आई एंड माय सिस्टर माय फ्रेंड एंड हिज ब्रदर क्योंकि उस दो भाई है आप एक भाई एक बहन हो इसलिए स्टडिंग एंड रीडिंग आई एंड माय सिस्टर

रेड कलर अराउंड दोज आइटम्स सेट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स यानी जो फूड आइटम्स हमको प्लांट्स में से मिलती है उसमें हमको ग्रीन कलर करना है और जो हमको एनिमल्स से मिलती है उसमें हमको रेड कलर करना है ना हनी हनी वी गेट फ्रॉम हनी बी तो दैट इज एनिमल प्रोडक्ट कॉर्न दैट इज प्लांट प्रोडक्ट स्पीनेच सॉरी आई फोर टू कलर स्पीनेच मीन्स पालक दैट इज अ प्लांट प्रोडक्ट सो वी आर गोइंग टू कलर इट विथ ग्रीन कलर ओके धैन कम्स एग एग आपको कहाँ से मिलता है एग यू गेट फ्रॉम हैं हैंड्स एंड डग सो देट इज अनिमल प्रोडक्ट्स ये टन ग्रीन कलर राइट नाउ टोमेटो इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट टर्मरिक इट इज अ तर्ट क्या नहीं हल्दी इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट मिल्क एनिमल प्रोडक्ट पोटेटो दैट इज ऑल्सो प्लांट टाइप वो जमीन में उगता है बट इट इज अ वेजिटेबल मीट एनिमल प्रोडक्ट ऑनियन प्लांट प्रोडक्ट फिश एनिमल प्रोडक्ट लेमन प्लांट प्रोडक्ट अजवाइन प्लांट प्रोडक्ट बनाना प्लांट प्रोडक्ट मस्टर्ड मस्टर्ड यानी राइस अरसो दैट इज अ प्लांट प्रोडक्ट राइस ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट कैबेज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट घी दैट इज़ एनिमल प्रोडक्ट कड यानी दही काउ गिवस अस मिल्क मिल्क में से दही बनता है मिल्क में से दही बनता है और दही इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट एंड चिली इज इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट नाउ थिंक एंड राइट वैन यू आर सिक डू यू टेक मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स वैन डू यू वॉट वैन डू यू टेक वैन यू हैव वैन यू गेट हर्ट यानि आप अगर बीमार हैं तो आप दवाई लेते हो प्लांट्स में से आती है तो कौन कौन से में अगर आपको कहीं चोट लग गए तो यू गेट हर्ट आई ड्रिंक टर्मरिक मिल्क एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक ऑन द वोन यानी अगर आपको चोट लग जाती है तो मम्मी क्या करती है आपको हल्दी वाला दूध देती है और वो जहाँ पे लग गए वहाँ पे हल्दी का पेस्ट लगा के लगा देती है हैव यू इफ़ यू हैव अ स्टमक एक पेट में दुख रहा है तो आई टेक सम अजवाइन विथ हॉट वाटर तो गर्म पानी के साथ अजवाइन लेते हैं इफ़ यू हैव कफ एंड कोल्ड सर्दी है तो यू टेक एक्सट्रैक्ट ऑफ बेसिल एंड जिंजर यानि बेसिल यानी तुलसी और जिंजर यानि अदरक उन दोनों का एक्सट्रैक्ट उसको पीस के उसमें से रस निकाल के उसको हनी के साथ लेते हैं इफ़ यू हैव अ टू तेक यानी दाँत दुख रहा है तो यूज़ अ रोस्टेड क्लो और क्लो ऑयल तो हम जो लौंग होता है उसको सेक के वो जहाँ दुख रहा है वहाँ लगा देते या तो लौ लग का ऑइल भी हम लगा सकते सो दिस थिंक्स यू डू नाव यू कैन सी दिस बास्केट हैज गॉट फ्लावर्स यीव फ्रूट्स एंड यर एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट ये जो सारी चीजें दी है एंड योर यू आर गोइंग टू चूज अ करेक्ट बास्केट फॉर इच आइटम ड्रॉ लाइन टू मैच बट वी आर नॉट गोइंग टू मैच हम हर एक के नीचे उसका लिखेंगे लाइक दिस में ओके नाव यू कैन सी कैरेट तो कैरेट क्या है इट इज अ इज इट ए फ्लावर नो इज इट ए लीव नो इज इट अ फ्रूट नो इट इज़ अधर पार्ट ऑफ़ द प्लांट तो हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा फर्स्ट जिंजर फ्लावर्स ऑफ कचनार और ऑर्चिड मैंगो जैक फ्रूट फ्रेंच बीन्स मस्टर्ड ग्राम यानि चना आमला लोटस स्टेम यानि कमल ककड़ी स्पिनेच करी लीव यानी करी पत्ता कॉलीफ्लावर रेडिश बनाना एंड पटेटो

These are fruits, and all these are other parts of the plant. So, children, with this, we have completed in the uh, textbook lesson number 14. In the workbook, we will be doing in the next turn. Bye.